हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज मैं आपको इस पुरानी साड़ी से बहुत ही खूबसूरत सी एक चीज़ बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी को फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम तय बनाते हैं वैसे कर लेंगे। अब इसके हम देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके पीसेस काटूंगी, पतले पतली हमें पट्टियाँ काटनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पट्टी आप काटें वो एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, जो मैंने टी शर्ट से बहुत ही काम की चीज़ बनाई है एक टी शर्ट से, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद आया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो हम पूरी साड़ी की इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे और इसको आपस में बांध लेंगे, इस तरीके से गांठ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक क्रोशिया लेंगे, देखिए गांठ लगा दिया। अब हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, देखिए चौदह हमने चेन बना ली। अब देखिए चौथी वाली चेन में डालेंगे, इस चौथी वाली चेन में डालकर एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो दो दो करके फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। अब एक दो हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए, तीसरी फिर से बनाएंगे, इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया हो गया, वापस इसी जगह डाल के फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया हो गया, वापस डालेंगे फिर से हम बनाएंगे, पाँच हो गया और छः, एक ही चेन में हमने छः डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छः बन गया, अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। लास्ट वाली चेन में हमें क्या करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाली चेन में हमने देखिए, लास्ट वाली चेन में क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। तो अभी दो डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास, वापस इसी जगह डालेंगे तीन, फिर हम इसी जगह डालेंगे चार, देखिए पाँच, पाँच डबल क्रोशिया हो गया, वापस डालेंगे छः, एक ही चेन में हमने छः डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे हम, देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से डालना है, इस तरीके से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, कि हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जहाँ पर हमने छः डबल क्रोशिया बनाए वहाँ पर क्या करना है फिर मैं वहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इतना हमने बना लिया है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमने थ्री चेन ली थी इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब वापस इसी जगह डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गया, ठीक है। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, वापस फिर से इसी जगह डालकर बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, तीसरी वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, वापस डालेंगे इसी जगह दो डबल क्रोशिया। अब चौथी वाली में डालेंगे हम, क्योंकि इस साइड में हमने छः डबल क्रोशिया बनाई थी, ठीक है। चौथे वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। अब फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, पांचवी वाली में, इसमें भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब छठे वाले में डालेंगे और इसमें भी हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम, अब इसके बाद हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और लास्ट में जो हमने छः डबल क्रोशिया बनाए इसमें भी सेम हमें वैसे ही बनाना है जैसे अभी हमने बनाया था, एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, इस तरीके से,
एक चेन में दो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो अगर आप लोग ने मेरा नया वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसका नाम ऑल फैशन टिप्स है, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो डाल रही हूँ, काफ़ी काम की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो उसको उस पर ज़रूर फॉलो करें मुझे। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखिए सब्सक्राइब के सामने ऑल बना है रेड कलर में, आप उसको जब टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, फिर वीडियो में जाके सारी आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम सेम बना रहे हैं, एक चैन में दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, इस तरीके से हम बना रहे हैं, टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। उसके बाद हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। पहले तो हम एक चैन में दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, इसको इतना बनाते हुए लेकर आएंगे यहाँ तक, फिर जो हमने देखिए अब यहाँ तक आ गए, अब हमारे पास 12 जो डबल क्रोशिया हैं इसमें भी हम सेम वही रिपीट करेंगे, एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप दुपट्टे से बना सकते हैं, पुराने कपड़े से बना सकते हैं, सूट से बना सकते हैं, जो भी आपके पास पुराने पुराने कपड़े पड़े हैं उससे आप इसको बना सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार, देखिए सेम इसी तरीके से हमें बनाना है, एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इतना बनाने के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ, इतना बनाना है इतनी साइड में और इस साइड में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है एक चैन में। तो ऐसे ही हम टोटल तीन रो और बना लेंगे, टोटल हमें पांच रो कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक दो तीन चार और पांच, पांच रो हमने बना लिए हैं, ठीक है। एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाई थी और बाकी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर के कपड़ा जोड़ेंगे हम, तो इसके लिए जोड़ने के बाद देखिए अब हम मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का कपड़ा जोड़ लिया है। अब इसमें हम इस वाले चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो गया। तो ज़रूरी नहीं है आप साड़ी से ही बनाएं, आपके पास जैसे कपड़े पड़े हैं आप उस टाइप के कपड़े से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस रो में हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से देखिए बनाएंगे, हर चैन में डालते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक एक डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, और जहाँ भी आपको लगे कि आपकी झोल आ रही है वहाँ पर आप जिस रो में आपको लगे कि झोल आ रहा है तो उसमें आप बढ़ा लें, या खिंचा खिंचा लगे तो आप एक चैन में दो दो डबल क्रोशिया बना लें, अदरवाइज़ आप हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएं। इसमें पूरा हम मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, अब मैं एक दो रो और ब्लैक कलर की बनाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से इस वाले कपड़े को ज्वाइंट करूँगी। तो उसके बाद देखिए हम क्या करें, ब्लैक कलर से कुछ रो बनाने के बाद मैं वापस से स्टार्टिंग वाला कपड़ा यूज़ करूँगी, आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। और लास्ट में मैं जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में ब्लैक कलर की पट्टी सिलाई मशीन से इसकी किनार पर लगा दूँगी, ताकि ये धोते टाइम निकले ना। वैसे आप नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं इसमें लगा दूँगी और पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए सिंपल है, आप लोग इसी तरीके से बना लें अगर आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी है। तो इतना मेरा बन गया है। अब मैंने रेड कलर का एक कपड़ा काट लिया है, गोल में काटा है। अब देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इसमें और एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, इस तरीके से देखिए सिलाई लगाएंगे, देखिए। तो आपका चॉइस है, आप चाहें लगाना चाहें तो लगा लें, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सादा सा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया है, और इसको हम बीच में अटैच कर देंगे,
देखिए इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसको बीच में अटैच कर दूँगी, यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी पड़ी है, पुराना दुपट्टा पड़ा है, या फिर आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छा भी लगता है। हो सकता है कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा हो, बट ये रियल में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अंडाकार में बनाया, आप चाहे गोल में बना सकते हैं, आप चौकोर में बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक डोरमेट आपके पास बन जाएगा। तो पुराने कपड़ों को फेंकने से अच्छा है आप उसका कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसको आप यूज़ कर सकें, आपके काम की चीज़ बने। तो मैंने तो यहाँ पर बना लिया है, आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाय।